देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बिजी रहने के बाद अब एसआरके तिकड़ी यानी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी हरियाणा की पॉलिटिक्स में फिर से एक्टिव हो गए हैं। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों में एसआरके गुट को डबल कामयाबी मिली है और इस डबल कामयाबी के चलते अब हरियाणा की सियासत में एसआरके तिकड़ी को और ज़्यादा एक्टिव मूड के साथ हरियाणा में सक्रिय होते हुए देखा जाएगा। जहां कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में पहले शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस के हालात को देखते हुए कुछ महीने पहले ही अनिल धनतोड़ी बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें मनाकर दोबारा कांग्रेस में वापसी करवा दी। अनिल धनतोड़ी का कांग्रेस में वापसी करना एक अच्छा फैसला कहा जाएगा, एक बड़ी सफलता कहा जाएगा, क्योंकि शाहबाद सीट पर आज की तारीख में अनिल धनतोड़ी से बेहतर कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। वहां पर बीजेपी जेजेपी के खिलाफ चल रहे माहौल में अनिल धनतोड़ी दोबारा से विधायक बनने का काम कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। अनिल धनतोड़ी की वापसी उत्तर हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक गड्ढे की भरपाई करने का काम करेगी। इसी तरह पूर्व एडीजीपी सुभाष यादव का भी कांग्रेस में शामिल होना एसआरके तिकड़ी के लिए एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी। पूर्व एडीजीपी सुभाष यादव अहिरवाल में एक जाना माना नाम है और उनका अब एसआरके ग्रुप के जरिए कांग्रेस में शामिल होने के बाद अहिरवाल की पॉलिटिक्स में एक्टिव होना संभव माना जा रहा है। कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के जरिए सुभाष यादव ने कांग्रेस में एंट्री मारने का काम किया है। अब एसआरके तिकड़ी को भी अहिरवाल में एक ऐसा चेहरा मिल गया है जिसे वो अटेली की सीट पर भी चुनाव में उतार सकते हैं। इसका फायदा जहां किरण चौधरी को अपनी बेटी श्रुति चौधरी के चुनाव में मिलेगा, वही अटेली विधानसभा सीट के लिए भी कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ चुनौती पेश करेगा, टिकट की दावेदारी पेश करेगा और वहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में मददगार साबित होगा। इन 2 एंट्रियों के बाद से एसआरके तिकड़ी के हालात और हाव भाव साफ तौर पर बता रहे हैं कि अब वो जल्द ही पूरे एक्टिव मूड के साथ हरियाणा में अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे। कुमारी शैलजा पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो राहुल गांधी की नीतियों को, राहुल गांधी की सोच को लेकर पूरे हरियाणा का दौरा करेगी। यानी एसआरके तिकड़ी अब पूरे के पूरे एग्रेसिव मूड में आकर पूरे हरियाणा में कार्यक्रम करेंगे और उसके जरिए अपने जनाधार को बढ़ाने का काम करेंगे, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भी काम करेंगे। एसआरके तिकड़ी के लिए अब चुनौतियाँ बढ़ गई है क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद जहां कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, वही एसआरके तिकड़ी के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई है। लेकिन अगर तीनों नेता मिलकर चलेंगे तो उसके जरिए वो हरियाणा कांग्रेस में एक बराबर की ताकत बन सकते हैं और 2024 के लिए वो बराबर की सीटों पर दावा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।